गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माइसेल्फ गिरीश सेवकानी और आज एक जबरदस्त स्टोरी आप सबके लिए लेके आया हूँ। आज का टॉपिक है चैलेंजेस इक्वल टू अपॉर्चुनिटीज। हाँ दोस्तों, काफी बार तो ऐसा होता है कि हमें ही पता नहीं होता कि प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस के बीच में क्या डिफरेंस है। दोस्तों, प्रॉब्लम्स ऐसी चीज होती है, अगर आपके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, अगर आपके पास रहने के लिए घर नहीं है और अगर आपके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, बाकी सारी चीजें लाइफ में चैलेंजेस होती है जो एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए आपकी लाइफ में आती है और उसके बाद वो चली जाती है। और आज दोस्तों जिस इंसान के बारे में स्टोरी बताने वाला हूं, ही इज एन परफेक्ट एग्जांपल ऑफ नेवर गिव अप। हाँ दोस्तों, हर एक चैलेंज के अंदर अपॉर्चुनिटी छुपी रहती है। जैसे कहा जाता है कि हर एक क्वेश्चन के अंदर ही सॉल्यूशन छुपा हुआ रहता है। एंड शायद ये स्टोरी सुनने के बाद आपको लगेगा कि अगर ये इंसान कर सकता है तो भगवान ने हमको तो सब कुछ दिया है, हम क्यों नहीं कर सकते। और इसलिए कहूंगा कि बी देयर टिल द एंड, वीडियो का एक भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। शायद कुछ वैल्यूएबल लेसन्स कोविड से कैसे डील कर सकते हो ये भी आपको इसमें से मिल जाएंगे। सो बी देयर टिल द एंड। एंड ये स्टोरी कुछ ऐसी है, इस इंसान का जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। और जब एक फैमिली में बच्चे का जन्म होता है तो उस फैमिली में खुशियों का वातावरण होता है, पर जब इस इंसान का जन्म हुआ तो घर में हैप्पीनेस नहीं थी, था दुख का वातावरण। बिकॉज दिस चाइल्ड वॉज बॉर्न ब्लाइंड, देख नहीं सकता था। गांव वालों ने तो यहां तक भी कह दिया कि इसे मार देना चाहिए, ये आपके कुछ काम का नहीं रहेगा, बुढ़ापे में आपका सहारा बनने के बजाय ये आपके ऊपर बोझ बन जाएगा। बट दोस्तों, हर एक माँ बाप के लिए अपनी औलाद प्यारी होती है। उन्होंने इस एडवाइस को सीरियस नहीं लिया और अपने बच्चे के प्रति प्रेम व्यक्त करने लगे। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी कुछ भी ग्रेट नहीं थी, जो कुछ भी डिपेंडेंसी थी सारी फार्मिंग के ऊपर थी। बट एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स की तरह उन्होंने नजदीकी एक गवर्नमेंट स्कूल में इस बच्चे का एडमिशन करा दिया। बट ही वॉज ऑलवेज अ टारगेट ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन, लोग उसे हीन भावना से देखते थे। स्कूल में भी उसे कुछ समझ में नहीं आता था क्योंकि वो देख ही नहीं सकता था, एंड इसलिए उसे लास्ट बेंच पे बिठाया जाता था। वो कोई अदर एक्टिविटीज में भी पार्ट नहीं ले सकता था, वो स्पोर्ट्स नहीं खेल सकता था। कुछ बचपन के साल ऐसे ही निकल गए। तब उसके पापा ने सोचा कि चलो ये शायद मुझे फार्मिंग में हेल्प कर सकता है, इसे खेत पे लेके जाता हूं। खेत पे लेके गए बट वहां पे भी कुछ हेल्प नहीं हुई। बट इस डैड वॉज अवेयर कि मेरे बच्चे को पढ़ाई अच्छी लगती है, वो पढ़ाई में शार्प है, अगर उसे राइट प्लेटफॉर्म मिल गया ना तो ही कैन डू वंडर्स इन लाइफ। और लाइफ में भी तो यही इंपॉर्टेंट होता है, आपकी स्ट्रेंथ और आपके राइट प्लेटफॉर्म अगर आपको मिला तो यू कैन डू वंडर्स। इसलिए नजदीक के सिटी में गए और वहां पे बच्चे का एडमिशन किया इन अ स्पेशल ब्लाइंड स्कूल। एंड दोस्तों, फिर क्या, सारा टैलेंट बाहर आने लगा एंड ही बिकेम द टॉपर ऑफ हिज क्लास एंड ही स्टार्टेड टेकिंग पार्ट इन द अदर एक्टिविटीज लाइक स्पोर्ट्स। एंड हिज फेवरेट स्पोर्ट वॉज चेस। 10th स्टैंडर्ड की एग्जाम में, हाँ दोस्तों 10th स्टैंडर्ड की एग्जाम में ही स्कोर्ड मोर देन 90%। और फैमिली में खुशियों का वातावरण था। तब इस बच्चे ने डिसीजन लिया कि अभी मुझे साइंस लेना है। बट बोर्ड रिजेक्टेड हिज एप्लीकेशन सेइंग विजुअली इंपेयर्ड कैनॉट ऑप्ट और कैनॉट टेक साइंस। अब ये बच्चा कहने लगा कि मुझे प्रोफेसर नहीं बनना है, मुझे आर्ट्स में नहीं जाना है, मुझे कॉमर्स में नहीं जाना है, मुझे चाहिए तो साइंस, जस्ट बिकॉज आई एम विजुअली इंपेयर्ड मुझे एडमिशन नहीं मिल रही है। वो चुप नहीं बैठा, एक टीचर की हेल्प ली और 6 महीने के लिए ही स्टार्टेड फाइटिंग अगेंस्ट हिज लॉ। Yes friends, he was fighting for 6 long months against his law and finally board has to accept his application and he got science. वहां पे भी दिन रात एक किया, मेहनत करने लगा and in 12th standard he scored 98%। हाँ दोस्तों, he scored 98%। उसके बाद भी चुप नहीं बैठा, he started preparing, he started applying for IIT entrance examination। बट दोस्तों, जहां देखना चाहिए था उसका हौसला, करेज, वहां पे देखी गई उसकी फिजिकल डिसेबिलिटी। एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड, सारे इंडिया के कॉलेजेस ने उसके लिए दरवाजा बंद कर दिया। वो फिर से चुप नहीं बैठा, इंटरनेट की हेल्प ली एंड ही स्टार्टेड अप्लाइंग आउटसाइड इंडिया। 4 foreign universities शोड इंटरेस्ट इन हिज एप्लीकेशन। अब इस बंदे के पास चॉइस था कि मुझे कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करनी है एंड ही सिलेक्टेड MIT। And he was the first blind student of MIT. दोस्तों, जब वो MIT से पास आउट हुआ तो he started getting offers in lakhs.
बट उसने कुछ भी चूज नहीं किया एंड ही रिटर्न बैक टू इंडिया। चाहिए तो वो ऑफर्स ले सकता था, एक अच्छी लाइफ जी सकता था, हेल्दी इनकम बना सकता था, और हर एक फैमिली की तो वही विश होती है कि बच्चा को अच्छा जॉब लग जाए, काफी कमाए, वेल सेटल हो जाए। बट ही मेड अ डिसीजन कि मैं इंडिया लौटूंगा एंड आई विल गिव अपॉर्चुनिटी टू पीपल हु आर लाइक मी, जो दिव्यांग है, जो फिजिकल डिसेबल है, उनको मैं अपॉर्चुनिटी दूंगा सोसाइटी में एक रिस्पेक्टेबल पोजिशन मिलाने की, उन्हें फाइनेंशियल स्टेबल करने की, एंड सो दैट दे कैन वर्क ऑन देयर ओन टर्म्स। एंड दैट्स द रीजन 2012 में उसने बोलांट इंडस्ट्री नाम की कंपनी चालू की। ये कंपनी एरेका बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इको फ्रेंडली पैकेजिंग सॉल्यूशंस देते हैं और डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जहां पे वो ऐसे लोगों को चुनने लगा दोस्त जिनके पास स्किल्स नहीं है, जिनके पास एजुकेशन नहीं है और फिजिकल डिसेबल है। एंड दोस्तों एट द एज ऑफ 23 टर्नओवर ऑफ कंपनी वॉज 50 crore। एंड मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, वहां पे लिखा गया कि 2018 में इस कंपनी का टर्नओवर वॉज 150 crore एंड बिग जायंट लाइक सर रतन टाटा इज फंडिंग हिम। अगर टाटा जैसी कंपनी इस बंदे में इन्वेस्ट कर रही है तो उन्होंने कुछ तो देखा होगा। जिस बंदे के लिए लोग कह रहे थे इसे मार देना चाहिए, जिस लड़के के लिए सारे कॉलेजेस ने दरवाजे बंद किए, आज उसी ने जिम्मा उठाया है देश में रोजगार देने का। टुडे ही इज गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू मोर देन 100 ऑफ पीपल। शायद दुनिया की नजर में यह बंदा अंधा था, बट ही वॉज वेरी मच क्लियर विथ हिज विजन वेर ही वॉन्ट टू गो इन लाइफ। शायद दुनिया ही अंधी थी कि उसका टैलेंट और उसका विजन देख नहीं पाई। दोस्तों अब काफी स्टोरी हो गई, अब आपको लगता होगा कि ये बंदा है कौन, तो इस बंदे का नाम है श्रीकांत बोला, फाउंडर ऑफ बोलांट इंडस्ट्रीज। एंड आप इस बंदे के इंटरव्यूज अगर आप देखोगे, ही स्पीक्स इंग्लिश सो फ्लुएंटली, जबरदस्त, ही इज एन कम्युनिकेटर, टेडेक टॉक्स भी है उनके। अगर इस लेवल पे बंदे ने पहुंचा है तो जरूर लाइफ में कुछ तो अच्छा काम किया है। इन वन ऑफ द इंटरव्यू ही सेड कि आई एम नॉट विजुअली इंपेयर्ड, आई एम विजुअली चैलेंज्ड, एंड ही एक्सेप्टेड ऑल चैलेंजेस इन लाइफ, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किए और आज सब जगह पे एज अ स्पीकर इज बीइंग इन्वाइटेड। चैलेंजेस आए लाइफ में, 10th स्टैंडर्ड के बाद भी चैलेंज आया, बट हजारों लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किए। यहां पे आने के बाद जब ही स्टार्टेड इज ओन बिजनेस, चैलेंजेस आए, वजह आज काफी लोगों के लिए जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किए। दोस्तों हमें भगवान ने दो आंखें दी है, दो हाथ दिए हैं, दो पैर दिए, सब कुछ दिया है, बट काफी बार हम ही इन चीजों को इतना ग्रांटेड ले लेते हैं कि हम प्रोकास्टिनेशन करते लेते हैं, हम गिव अप कर देते हैं लाइफ में। बट अगर एक ऐसा इंसान जिसे भगवान ने आंखें नहीं दी थी वो इस लेवल तक जा सकता है, तो हमारे पास तो सब कुछ है, हम क्यों नहीं जा सकते। शायद हम डिफीट काफी जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। आप तब तक नहीं हारते हो जब तक आप खुद हार मान नहीं लेते हो, बट हम हार ही जल्दी मान लेते हैं। इस कोविड में भी काफी लोगों ने अपने जॉब्स गवाए होंगे, काफी लोगों के बिजनेस इंपैक्ट किए होंगे, बट इसी कोविड में आई हैव सीन सो मेनी पीपल हु हैव स्टार्टेड देयर बिजनेस, घर से ही कुकिंग के बिजनेस चालू किए एंड दे आर डूइंग वेल इन देयर लाइफ। दे सेंस द अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी के ऊपर काम किया, बट सबके नजर में ये चैलेंज था, उन्होंने अपॉर्चुनिटी सेंस किया एंड दे आर डूइंग वंडर्स। इसी कोविड में एडटेक इंडस्ट्री को बूम मिला। एक वक्त किसी ने तो सोचा था कि एडटेक ऑनलाइन एजुकेशन भी दिया जा सकता है, आज वो बूम में है। क्लाउड किचन्स, कुछ इंडस्ट्रीज बूम में जाएंगी, कुछ इंडस्ट्री नीचे गिरेंगी, बट चैलेंजेस एक्सेप्ट करने, अपने गलतियों पे, वीकनेसेस पे काम करके ही हमें आगे आना है, हमें गिव अप नहीं करना है। दोस्तों आशा करता हूं मेरी ये स्टोरी, ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा, कुछ वैल्यूएबल लेसन मिले होंगे। बस एक चीज ही कहना चाहूंगा, चैलेंजेस से डरिए मत, एक्सेप्ट द चैलेंजेस, चैलेंजेस में ही अपॉर्चुनिटीज छुपी रहती है। मुझे भी ये वीडियो कब से बनाने थे, बट इस कोविड में ही मुझे अपॉर्चुनिटी मिली जहां पे मैं ये वीडियोस बना सका, आप सबकी हेल्प कर सका। इसी कोविड में मुझे अपॉर्चुनिटीज मिले कोचिंग क्लासेस में, कॉलेजेस में, कॉर्पोरेट्स में सेशन देने की, शायद ये अपॉर्चुनिटी मुझे कभी मिलती भी नहीं। कोविड हैज हेल्प मी, कोविड में मुझे काफी अपॉर्चुनिटीज मिले। सो हर एक चैलेंज में अपॉर्चुनिटी रहती है। दोस्तों बस इतना ही कहते चाहूंगा, कीप वर्किंग हार्ड, डोंट गिव अप। और अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये भी जरूर कर लीजिएगा। टिल देन बी सेफ, बी हेल्दी, टेक केयर एंड बाय बाय।